हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म को देश भर में सिनेमाघरों से अच्छा रिस्पांस मिला है। साथ ही प्रभास के बाद साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन दूसरे सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार बनकर उभरे हैं। फिल्म की कमाई के शानदार आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में भी इस फिल्म ने देश भर के सिनेमाघरों से बंपर कमाई करते हुए 250 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ऐसे में ये फिल्म साल 2021 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनकर सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने एक खास मामले में साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म बाहुबली को भी धूल चटा दी है। दरअसल अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना की ये फिल्म सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स को भी खूब पसंद आई है। यही वजह है कि इस फिल्म को IMDb रेटिंग लिस्ट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। IMDb लिस्ट में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को 10 में से 8.1 रेटिंग्स मिली है, जो काफी शानदार है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया है। IMDb रेटिंग लिस्ट में टॉलीवुड स्टार प्रभास की फिल्म बाहुबली को 8 रेटिंग मिली है। साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और उसके दूसरे पार्ट ने तो भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने का खिताब अपने नाम किया था। देखना दिलचस्प होगा बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा कितनी दूर तक दौड़ लगा पाएगी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म भारतीय सिनेमाघरों से अब तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इसके साथ ही फिल्म चौथे हफ्ते की कसौटी को भी शानदार तरीके से पार कर चुकी है। अब ये फिल्म 300 करोड़ की कमाई के लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का आंकड़ा पहले ही पार कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी आने वाले दिनों में ये फिल्म और कितने करोड़ का बिजनेस करती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।